नमस्कार, बॉबी झा एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। आम आदमी पार्टी का दावा झूठा, दिल्ली को नहीं मिल सकता है पूर्व राज्य का दर्जा। महाबल मिश्रा। पश्चिम दिल्ली सीट पर कांग्रेस वापसी की पुरजोर कोशिश में है। इस सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता महाबल मिश्रा, बीजेपी के वर्तमान सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और आपके बलबीर सिंह जाखड़ के बीच मुकाबला है। दिल्ली के पूर्वांचल वोटों पर पकड़ रखने वाले महाबल 2009 में इस सीट से सांसद रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2014 में वह तीसरे नंबर रहे थे। चुनाव प्रचार में व्यस्त महाबल मिश्रा ने अपने निवासी डाबरी मोड़ पालन में लोकमत डाबरी मोड़ में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सांसद प्रवेश वर्मा फेसबुक पर सिर्फ फेंकते रहते हैं और आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को इस सीट पर कोई नहीं जानता है। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव में इन 8 दिग्गजों के भविष्य का होगा फैसला। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण में 8 लोकसभा क्षेत्र मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़ के लिए आगामी 12 मई को मतदान होने जा रहे हैं। तीसरे चरण में जिन दिग्गजों पर दाव लगाया है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम प्रमुख है। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण में जिन लोकसभा क्षेत्र में मतदान तीसरे चरण में होने जा रहे हैं वहाँ बहुत ही दिलचस्प मुकाबले हैं। इन क्षेत्रों पर तमाम राजनेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। भोपाल संसदीय क्षेत्र पिछले 3 दशकों से भाजपा का गढ़ बन गया है। यहाँ से 1989 के बाद से लगातार भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीते रहे हैं। भाजपा के किले को भेदन के लिए कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा है। वैसे वह खुद राजगढ़ से चुनाव लड़ना चाह रहे थे। भाजपा के द्वारा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद यहां विकास के स्थान पर धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव हो रहा है। मुरैना संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की प्रतिष्ठा दांव पर है। यह उनका मुकाबला कांग्रेस के रामनिवास रावत से है। तोमर इस सीट से 2009 में भी चुनाव जीतकर लोकसभा गए थे, लेकिन इस बार मुश्किल इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि भाजपा का एक ही गुट उनका विरोध कर रहा है। वही टिकट कटने से नाराज भाजपा सांसद अनूप मिश्रा घर बैठे हैं। वह पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे हैं। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहुल गांधी को राहत, दोहरे नागरिकता मामले में याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता के मामले में याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में कोर्ट से चुनाव आयोग को राहुल को चुनाव लड़ने से रोकने संबंधी निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था। इस याचिका में दावा किया था कि राहुल के पास ब्रिटिश नागरिकता है और इसलिए उन्हें भारत में चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं है। यह याचिका पिछले हफ्ते हिंदू महासभा की ओर से दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने याचिका खारिज करते हुए पूछा, क्या इस कंपनी के कुछ लीक देन से किसी की नागरिकता बदल जाती है? चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने साथ ही कहा, हम इस याचिका को खारिज करते हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। हालांकि पिछले महीने के आखिर में गृह मंत्रालय ने भी राहुल को नोटिस जारी किया था, एक पखवाड़े के भीतर तथात्मक स्थिति की जानकारी देने को कहा था। सुब्रमण्यन स्वामी ने भी इस संबंध में गृह मंत्रालय में शिकायत की थी। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।